ये एक समस्या भी है और एक मौका भी है। ये समस्या इस रूप में है कि या तो हम अपने आप को 24 घंटे इसी में उलझाए रखें कि हम कोरोना वायरस से कैसे बचें, क्या उपाय हो, हाथ मिलाएं ना मिलाएं, दुकानों पर, मेडिकल स्टोर पर या सिनेमा देखने जाएं या ना जाएं, जिम क्लब रेस्टोरेंट में खाना खाने या एक्सरसाइज करने जाएं या ना जाएं, लोगों के घरों में या दोस्तों मित्रों से मिलें या ना मिलें, ये सोचने के बजाय या तो आप इसे एक समस्या मान लीजिए और दिन भर हम इसी को सोचते रहें कि आखिर कोरोना वायरस से कैसे बचें। चीन से शुरू होकर विभिन्न देशों से होता हुआ कोरोना वायरस भारत में प्रवेश कर चुका। भारत में मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 150 से 200 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, लेकिन ये आंकड़ा झूठ है। सच बात यह है कि सरकार प्रशासन चाहती नहीं है कि लोग बहुत ज़्यादा डरें या बहुत ज़्यादा भयभीत हों, इसलिए एक वाक्य बना दिया गया है कि डरने की जरूरत नहीं है बल्कि सतर्क रहें, डरे नहीं बल्कि सतर्क रहें, एक वाक्य दिन भर मीडिया में चलाया जा रहा है। हम सतर्क भी क्यों रहें? आप एक स्टूडेंट हो, आप एक प्रतियोगी हो, आपको अपना करियर संवारना है, कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए, मार्केट में चलने वाले जो भी शॉप हैं संस्थान वो धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं, और जो भी गतिविधि इस समय हो रही है वो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में भारत बंद होने वाला है, कुछ दिनों के लिए ही पूरी तरह से मार्केट या सभी संस्थान, चाहे वो वाणिज्यिक हो, कारोबारी हो या अन्य संस्थान, धीरे धीरे बंद किए जाएंगे। आप अपनी जरूरत के सामान इकट्ठा कर लीजिए, कापी किताब नोट्स इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में जाने पर कापी किताब नोट्स कलम अखबार मैगजीन आपको मार्केट में कुछ दिनों में ना मिलें। हालत यही कि मेडिकल स्टोर वाले मेडिकल स्टोर बंद करके भाग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी को भी कोई भी समस्या हो रही है तो सबसे पहले वो मेडिकल स्टोर पहुँच रहा है। मेडिकल स्टोर वाले भी डर जाते हैं कि हम ऐसे जगह बैठे हैं कि कोई भी बीमार आदमी आके हमारे काउंटर पर हाथ रख सकता है। तो एक डर का माहौल तो है, लेकिन क्या हम सिर्फ डरते रहें? हमारा करियर भी देखना है। हम ये नहीं मान सकते कि आने वाले दिनों में हमको भी कोरोना वायरस हो जाएगा या सबको हो जाएगा। हमें सतर्क रहते हुए अपने करियर निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाना है। तो मेरा एक सुझाव है कि इसे हम सभी समस्या न मानकर एक मौका माने। क्या, किस रूप में? यही तो एक मौका है कि न हमें बाहर जाना है, न किसी से मिलना है, न घूमना है, न फिरना है। ये एक मौका है कि हम अपने आप को अपने कमरों में बंद करें और बैठकर अध्ययन करें। जब आप बैठकर अध्ययन करेंगे तो न सतर्क रहने की जरूरत है, न दिन भर सैनिटाइजर लगाने की जरूरत है। आपको सैनिटाइजर लगाने की जरूरत तब पड़ेगी जब आप घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन जब आप बैठकर पढ़ाई करेंगे तो न सैनिटाइजर की जरूरत है, न डरने की जरूरत है, है ना? तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि हम एक विद्यार्थी के रूप में अपने आप को अपने घरों और कमरों में बंद कर लें और अगले 2-3-4 महीने जमकर पढ़ाई करें, क्योंकि ये एक मौका है। हमें इसे सकारात्मक सोचने की जरूरत है, न कि डरने की जरूरत है, है ना? अगर कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए तो ये एक और अच्छा मौका है कि हम घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन भी एक बार ट्राई करके देखें कि अच्छा ऑनलाइन एजुकेशन हमें कितना अच्छा प्रोवाइड करा रही है। हमारे यहाँ UPPCS प्री कम मेंस का बैच 5 मार्च से ही दूसरा बैच स्टार्ट हुआ है। 5 मार्च से, बीच में होली की छुट्टी थी तो अभी क्लासेस बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी हैं, और जो कुछ क्लासेस चल चुकी हैं वो आपको हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेंगी, क्योंकि कोई भी क्लास ख़त्म नहीं की जाती है, वो वेबसाइट पर अवेलेबल रहती है। आप नई क्लासेस भी डेली का डेली देख सकते हैं और पुरानी क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल रहती है। हम आपको अपने UPPCS प्री कम मेंस बैच की थोड़ी सी जानकारी दे दें। मैं सलाह दूंगा कि आप कहीं जाइएगा मत, थोड़ी देर रहकर मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रत्येक दिन 4 वीडियो प्रीलिम के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि 21 जून को UPPCS प्रीलिम है, और 2 से 3 वीडियो मुख्य परीक्षा के लिहाज से दिए जा रहे हैं। जैसे ही 21 जून की प्रारंभिक परीक्षा होगी, हमारा पूरा का पूरा फोकस चला जाएगा मुख्य परीक्षा पर। उदाहरण के लिए मैं आपको एक सेगमेंट खोल के दिखा दूं, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको लॉगिन आईडी मिल गई, आप यहां पे देखिए वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ अगर आप क्लिक करें पॉलिटी, तो आपको यहां पे सभी क्लासेस दिखाई दे रहे हैं, एपिसोड 19, 18, फिर आप देखिए एपिसोड 17, 16। आप किसी को भी क्लिक करेंगे तो आपको पीछे वीडियो चलते हुए दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए मैंने एपिसोड 19 को क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको संजय ठाकुर सर यहां पर पढ़ाते हुए दिखेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए आज के लेक्चर में मैं पिछले लेक्चर की कड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, और जो कुछ भी रिसेंट डेवलपमेंट है इस तरह से आप अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग टीचरों को पढ़ाते हुए देखेंगे। अब आप कहेंगे कि हमें नोट्स कैसे मिलेगा? ये बहुत ही आसान है, हमने नोट्स 2 रूपों में अवेलेबल कराया है, डाउनलोड नोट्स फॉर प्रीलिम
डाउनलोड नोट्स फॉर मेंस एग्जाम, दोनों परीक्षाओं के लिए नोट्स अलग अलग प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप मेंस एग्जाम के लिए पॉलिटी का नोट्स चाहते हैं तो आप यहाँ भी आपके लिए दो सुविधा दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय संविधान एक परिचय या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम लेते हैं, तो लिखा है रीड नाउ डाउनलोड नोट्स। आप यहाँ पे भी नोट्स को रीड कर सकते हैं और नीचे क्लिक करके उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे अच्छी फैसिलिटी और सुविधा ऑनलाइन एजुकेशन में मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया कहीं आपको मिल सकती है, और इससे सस्ती सुविधा। ये बहुत ही मिनिमम फीस देकर आप एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। आप देखिए इस तरह से आप नोट्स को पढ़ भी सकते हैं डायरेक्ट। ये मुख्य परीक्षा के लिए जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके संदर्भ में ये नोट्स है, इसे आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं और आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का ऑप्शन रीड नाउ के नीचे है, यहाँ पर रीड आउट के नीचे आप देखेंगे तो डाउनलोड नोट्स दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप हमारे पास फैकल्टी आपके लिए कौन कौन सी है। हमने ऑल ओवर इंडिया करके सर्च करके बेहतरीन जो भी अच्छी फैकल्टी हो सकती है, जो केवल फीस के लिए नहीं बल्कि पूरे दिल से पूरे मनोयोग से उपस्थित होते हैं और आपको पढ़ाते हैं, है ना। जैसे आइए हम आपको अपनी फैकल्टी से मिला दें। फैकल्टी आप अगर सभी फैकल्टी को वॉच करना है आपको, तो इसका अच्छा तरीका है कि कौन सी फैकल्टी कैसे पढ़ा रही है अगर आपको देखना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि targetwithalok.in हमारी वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करिए या क्रोम में सर्च कर लीजिए targetwithalok.in। वहाँ पर आप जाएंगे तो UPPCS बैच में चलने वाली कक्षाओं के डेमो क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर डेमो क्लासेस देख सकते हैं। आपको सर्च केवल इतना करना है कि targetwithalok.in। हमारी फैकल्टी का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा सा परिचय आप ले लीजिए। के सिंह सर न केवल सामान्य अध्ययन के लिए इतिहास पढ़ाते हैं बल्कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी एक बहुत बड़ी फैकल्टी है इंडिया में। आपका अगर कोई साथी दिल्ली में रहता होगा तो बता सकता है कि के सिंह सर किस कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हैं। तो जानी मानी फैकल्टी है के सिंह सर। आपको मैं यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि सामान्य अध्ययन के लिए तो के सिंह सर पढ़ाएंगे, 25 मार्च से हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच भी टारगेट विद आलोक इंस्टीट्यूट में प्रारंभ हो रहा है के सिंह द्वारा। हमारा सुझाव है कि 22 या 21 मार्च से जब के सिंह सर की कक्षाएं शुरू होंगी डेमो क्लासेस, तो आप उसे एक बार वॉच करिएगा, तब आप मेरी बात मत सुनिए, आप के सिंह सर के डेमो क्लासेस लीजिएगा 22 मार्च से, तब आप अपनी राय को निश्चित बना पाएंगे या अपनी राय बना पाएंगे। इसी तरह विरासत और संस्कृति का हिस्सा भी के सिंह सर द्वारा पढ़ाया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एसके झा सर पढ़ाएंगे, एसके झा सर दिल्ली के एक प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाने वाली बड़ी फैकल्टी हैं। भारतीय संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संजय ठाकुर सर पढ़ाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध संजय ठाकुर सर पढ़ाएंगे, आंतरिक सुरक्षा संजय ठाकुर सर, सामान्य विज्ञान राजकुमार जी पढ़ाएंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो हिस्सा है जो कि मुख्य परीक्षा में पूछा जाएगा उसके लिए फैकल्टी हम जल्दीबाजी में नहीं है, इसलिए आराम से आपके लिए एक मजबूत फैकल्टी लाएंगे, जिस तरह से हमेशा से हमने आपके लिए बहुत ही अच्छी फैकल्टी खड़ी की है। बैच को ज्वाइन करने का जो तरीका है मैं रिपीट कर दूँ, कई बार बता चुका हूँ, आप एक व्हाट्सएप नंबर में दे रहा हूँ 9918000454, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप एंट्री UPPCS 2020 लिखकर हमें आप व्हाट्सएप करेंगे। क्या लिखेंगे? एंट्री UPPCS 2020, तो आपको हमारे फ्रेश बैच में एडमिशन का तरीका ही बताया जाएगा। जो तरीका आपको बताया जाएगा उसमें 8 से 9 मोबाइल नंबर्स हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एडमिशन कैसे लेना है तो उन मोबाइल नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, ठीक है। तो ये हमारी फैकल्टी है। फिर से मैं रिपीट करूं कि ऐसे समय में जबकि मेल मिलाप मना है, मार्केट जाना मना है, इसे हम समस्या के रूप में नहीं लेंगे बल्कि इसे एक मौका के रूप में लेंगे। अगर आप अपने करियर के प्रति गंभीर हैं तो इससे अच्छी सुविधा, इतनी ज़बरदस्त सुविधा पढ़ाई करने की इतने अच्छे अध्यापकों के माध्यम से अन्यत्र मिलनी मुश्किल है। आप सोच के देखिए, जब आप अच्छे अध्यापकों के माध्यम से अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करेंगे, और हाँ, एक वीडियो को आप कभी भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जब क्लास चल रही हो तभी देखें, आप सुबह भी देख सकते हैं, शाम को अगर आप दिन में जॉब करते हैं तो रात में देख लीजिए। एसके झा सर से आप पढ़ेंगे तो हो सकता है 1-2 दिन आप थोड़े से असहज महसूस करें, लेकिन एसके झा सर से जो 3-4 दिन लगातार पढ़ लेगा वो एसके झा सर को समझ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं ये सभी, चाहे इतिहास के सिंह सर हो। एक चीज़ और, 25 मार्च से इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच लॉन्च हो रहा है, आप जो लोग भी इतिहास विषय को लेना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।